bismillahir rahmanir rahim dinab muhtaram saqib Azhar sahab faiz azhar sahab enablers ke, distinguished guests, the vice chancellor of government college university members of the enablers team ladies and gentlemen assalamu alaikum it is always a pleasure कि मैं इमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ पर गुफगू करूं और क्योंकि मैं वाकिफ रहा हूं, लिहाजा मेरी कोशिश ये है कई सालों से और मेरा ख़्याल ये है कि सबसे पहले मैंने प्रेसिडेंसी की ज़िम्मेदारी जब आई तो एक पहला मज़मून मैंने जो अखबारों के लिए लिखा वो उसके अंदर ए और ये जो फ़ास्ट एमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें पाकिस्तान का मकाम तलाश करने के एतबार से मैंने लिखा और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे कहने से उस आवाज़ के अंदर बड़ी गूंज पैदा होगी हमारे नौजवान एक तरफ़ देखना शुरू होंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उस तरफ काम करना शुरू करेंगे जो मेरी नज़र में सबसे तेज़ एम एमर्जिंग, आ, साइंस है और सबसे तेज़ एमर्जिंग रिसोर्स है और सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद जिससे है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो सिर्फ इस एक एरिया से होंगे मुझे बड़ा टाइम लग रहा है इस बात पर क़्यादत को और इस बात पर सियासतदानों को इस बात पर डिसीजन मेकर्स को कन्विंस करने में सारी दुनिया के फिगर्स हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि तरक्की करने के लिए आसान रास्ता है ये ट्रेन पास से गुज़र रही है रोज़ाना स्पीड पकड़ रही है तो जैसे रिले रेस नहीं होता कि वो बेटन एक दूसरे को देते हैं तो भागो और भाग कर चढ़ जाओ और हर साल साल तो बड़ी बात है हर चंद महीनों के बाद एक नई चीज़ मेरे ऊपर आया होती है क्योंकि ये इल्म जो है इसकी कोई अब कोई हदूद मेरी नज़र में कहीं भी कोई हद नहीं है जितना डेटा दुनिया के अंदर है जिस अंदाज से उस डेटा को हैंडल किया जा सकता है जिस अंदाज से एफिशंसिस बढ़ाई जा सकती हैं तो द एक्चुअली टू से दैट फॉर इंसान द स्काई इज़ द लिमिट एक्चुअली द स्काई इज़ द लिमिट चाहे डेटा इस्ट्रानोमी का हो द स्काई इज़ द लिमिट बिलियंस एंड बिलियंस लोगों को अंदाजा ही नहीं था और जो जो तहकीकात एमर्ज कर रही हैं लोग नंबर से फैसिनेट भी होते हैं मैं समझता हूँ कि लोगों को ये पता चलना कि जनाब इस मिल्की वे में तीस बिलियन या सौ बिलियन स्टार्स हैं और ऐसे गैलेक्सी सौ ट्रिलियन गैलेक्सीज कायनात के अंदर मौजूद हैं तो मेरा ख़्याल से जहाँ आप ऊपर जाए तो क्वांटम के एतबार से आप नीचे आएँ तो वहाँ भी यही हाल है क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज आल्सो कीप दैट इन माइंड तो जहाँ ऊपर वहाँ नीचे इंसान के बस में ये इल्म नहीं है जितना डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है इतने लोग दुनिया में नहीं है इतने लोग दुनिया में नहीं है कि इसको एनालाइज़ करें इतने सारे सुपर कंप्यूटर्स को मिला लीजिए तो इतने सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ नहीं है कि इस डेटा को हैंडल करें और जहां आप ये गुफग कर रहे हैं तो द सेम डिस्कशन हैपन विद बिल गेट्स साहब वेन ही वॉज हियर और उसके अंदर वी आर डिस्कसिंग द फैक्ट कि देर इज देर इज़ मोर डेटा दैट कैन बी हैंडल मैं सिर्फ आपको एक फील्ड आप ही की फील्ड के अंदर एक बात बताऊँ कि साइबर सिक्योरिटी uh, के अंदर आठ uh, करोड़ नए लोगों की ज़रूरत है नए लोगों की ज़रूरत है आठ करोड़ दुनिया के पास है नहीं चाइना के पास नहीं है पाकिस्तान के पास नहीं है आठ करोड़ लोग तो इसका इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि या तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ताकि वो आठ करोड़ लोग का, का ल, लोगों का काम जो है वो चंद लाख कर लें तो दैट मींस एआई कंप्यूटिंग एबिलिटीज़ कंप्यूटर्स बाय दैम उनकी एबिलिटी बढ़ेगी तो कंप्यूटर्स हैव स्टार्टेड मैचिंग दैट अप क्वान्टम कम्प्यूटिंग फॉर एग्जाम्पल गूगल फिफ्टी थ्री क्यूबिट साइकमार चिप के साथ जो कंप्यूटर था वो उन्होंने दो हज़ार उन्नीस में क्लेम किया था कि दे कैन दे हैव कम टू अ मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम जो सुपर कंप्यूटर्स दस हज़ार साल में करेंगे एंड दे द्लेम्ड दिन टू हंड्रेड सेकेंड्स बट दैट नॉट नॉट वेरी स्टॉप एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो क्यूबिट है इट्स एन एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन और फोटॉन ईच क्यूबिट इज़ एन एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन विध सुपर पोजिशनिंग और एवरी क्यूबिट इन्हेंसमेंट ऑन दिस कंप्यूटर एनालिसिस एबिलिटी इज़ डबलिंग द कंप्यूटर स्ट्रेंथ तो जो 53 क्यूबिट का था जो पहले से है और उसके अंदर कुछ एंट्रेंस आपको भी मिल सकती है प्रॉब्लम सोल्यूशन में उसके मुकाबले पर इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू जैनेडू कंपनी ऑफ कैनाडा ने 219 क्यूबिट का एक कंप्यूटर लॉन्च uh, कर दिया लॉन्च कर दिया एंड इमेजिन हमारे नेबर के एडवाइज़र्स उसमें थे जबकि आपके सदर ने दो साल पहले से कोशिश ये की थी कि हम क्वांटम एडवाइजरी बोर्ड हम बना लें और उसके साथ उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ चलें यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक डीलेस के अंदर कुछ भी नहीं हुआ एंड जाना डू कंपनी के साथ इंडियन कोलेबोरेशन हो गई आईआईटी की तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लेट मी नॉट डिस्कस द स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग आप लोग रिमार्केबल काम कर रहे हैं और uh, अमेरिका के अंदर जो लोग अकॉर्डिंग टू यूरोपियन थिंकिंग जो सिविलाइजेशन सिविलाइजेशनल नॉलेज लेकर गए उनको पिलग्रम्स कहा जाता है जो मैसचुसेट्स के करीब उन्होंने लैंड किया था तो आप लोग पाकिस्तान के वो पिलग्रम्स हैं जो एक एमरजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर के अंदर पाकिस्तान को आम करना चाहते हैं ये जो इंफॉर्मेशन गैप है दिस इज़ द बिगेस्ट गैप हर चीज़ के अंदर हर चीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन गैप इज़ द बिगेस्ट गैप है स्वर पाकिस्तान इज़ कंसर्न मैं आपको बताऊँ कोई भी चीज़ हेल्थ के मामले में आपने कोविड uh, का मुकाबला किया तीन इन्फॉर्मेश आपने दी और बड़ी मुश्किल से दी और लोगों ने कामयाबी के साथ किया आपने ब्रेस्ट कैंसर के अतबार से मैं वाइफ वेंट आउट तीन इन्फॉर्मेशन यू you नो know, एग्जामिन योर ब्रेस्ट एवरी मंथ अगर एक नाड्यूल इतना बड़ा हो तो फिर गो टू अ डॉक्टर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैप के नतीजे में ये हुआ कि वुमेन स्टार्टड गोइंग अर्लियर टू द डॉक्टर्स टू फॉर बेटर ट्रीटमेंट ये इन्फॉर्मेशन गैप है बहुत बड़ा जो वाइस चांसलर साहब ने यहाँ बात रखी बहुत अहम है कि आप इन्फॉर्मेशन गैप को करिकुलम के जरिए और इन चीज़ों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं मगर कौन इसको पूरा करेगा जिससे आप डिमांड कर रहे हैं उसके अपने जहन में अगर इन्फॉर्मेशन गैप है तो फिर वीअर जिसको कहें अंग्रेज़ी का मकूला है बारकिंग ऑफ द रोंग ट्री तो लिहाजा एक काम तो हमारा ये है कि जो फ़ैसला करने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि आपका आपकी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ है अच्छा यही आपने कहा कि लीनियर थिंकिंग है हमारी कि एक जमा दो एक, एक जमा एक दो इस तरह से हम सोचते हैं कि भाई अगले साल ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा ये लिनियर थिंकिंग है और आपकी टेक्नोलॉजी आईटी एक एक्सपोनेंशियल एतबार से चेंज हो रही है इवन यू योर सेल्व आर नॉट अवेयर दिच आर ओपनिंग अप विद आई इन दिस एरिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जहाँ आप आप डेटा एसेस करने वाले लोग हैं और डेटा का इर्तका किस अंदाज से हुआ आपको मालूम है सीयर्स रोबक का आपने नाम सुना होगा वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स कहाँ से था सीअर्स वाज़ अ एक रेलवे स्टेशन का मैनेजर था उसके पास घड़ियाँ कोई आई जो जिसने लेनी थी किसी शहर में है जिसने लेनी थी वो आदमी डिफा डिफंक्ट हो गया और उसने घड़ियाँ नहीं उठाई तो तीस घड़ियाँ उसके पास पैकेट पैकेज में थी तो उसने उनको ख़त लिखा जो कंपनी बनाने वाली थी उसने कहा कि जी मुझे पाँच पाँच डॉलर पर बेच दो मैं इसको बेच दूँ मैं इसको सेल कर दूँगा वापस जाने में जो ख़र्चा होगा वो सब वहाँ से ही वेंट इन टू पार्टनरशिप क्योंकि घड़ियाँ बेची तो रोबक वॉज अ ज्वेलर ज्वेलर के साथ पार्टनरशिप की और उसने मेल ऑर्डर के जरिए इन्फॉर्मेशन बढ़ानी शुरू की फर्स्ट मेल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा चलते रहे तरक्की करते रहे इसके बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन स्प्रेड के एतबार से और बल्क परचेजिंग के एतबार से वॉलमार्ट के मिन टू दिक्चर वॉलमार्ट मे बिग बक्स उसके बाद फिर ए आई और आई टी के हवाले से अमेजान स्टार्टड विद बुक्स ओनली है उसके साथ साथ फिर एमेजन ने सारी जो रिटेलिंग है और ई कॉमर्स वर्ल्ड को अमेजोन ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया तो लिहाजा पीपल रिकग्नाइजिंग द इन अ सर्टन सिचुएशन उसको लेकर चले अच्छा मगर ये डिसीशन मेकर्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के मेकर्स हैं हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप ही की टेक्नोलॉजी ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर के अतबार से एनेबलर्स और यूटोपिया यहाँ बैठे हैं माशाला आपको विदाउट गवर्नमेंट इनफैक्ट गवर्नमेंट के डिस्पाइट द गवर्नमेंट यू मेड प्रोग्रेस पुट इट दैट वे डिस्पाइट द गवर्नमेंट यू मेड प्रोग्रेस आप क्या कर क्या रहे आप बायर्स और सेलर्स को अपने आउटरीच के जरिए अपने इंफॉर्मेशन डेटा के जरिए लिंक कर रहे हैं और ये डेटा तो बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नौजवानों को तो ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट थिंग अगर आपने एक्सपेंड करना है तो सबसे ज़्यादा आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अब क्या कैफियत है ह्यूमन रिसोर्स की सत्ताईस से लेकर तीस हज़ार के करीब आई टी हम प्रोड्यूस करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन को मेरे तीन चार साल की मेहनत के बाद मैंने ये कम्यूनिकेट किया फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल के जो डिग्री होल्डर्स हैं उनकी कितनी अहमियत और क्या है साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं जो लोग काम कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ देम हैव डिग्रीज

या हायर एजुकेशन में डालो और निकाल दो यू नो वॉट इज वाट इज द यानी आपको सरप्राइज होना चाहिए बट आई मस्ट शेयर दिस विद यू कि पाकिस्तान के अंदर जो एफ एस सी करते हैं वाइस चांसलर साहब आपकी आपकी तवज्जह के लिए भी है जो एफ एस सी करके हायर एजुकेशन में जाते हैं वो सिर्फ नौ फीसद जाते हैं कंपेयर टू वाट कंपेयर टू द रीजनल फिगर्स रीजनल फिगर्स ये है कि बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस पीपल गो इन टू हायर एजुकेशन बड़ा बड़े खुश खुश मुझे वाइस चांसलर बताते हैं जी हमारी 600 हंड्रेड सीट्स के लिए दस हज़ार एप्लीकेशन थी कोई आपको मार्केटियर कभी ये कहेगा कि मेरी 600 चीज़ों के लिए दस हज़ार लोगों की लाइन लगी हुई थी अगर वो कहेगा तो वो अपनी इस बात का इजहार कर रहा होगा कि हैड नो नॉलेज ही शुड हैव हैड दो टेन थाउजेंड थिंगस विच ही वॉन्टिड टू सेल इन हि शॉप अगले साल नहीं करेगा वो और यहां पर हम इस बात पर खुश हूं कि जी हमने इतने सालों को रिफ्यूज कर दिया जबकि मुकाबला आप किससे कर रहे हैं जहां जिनसे आप मुकाबला कर रहे हैं आप छब्बीस हजार ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं इंडिया प्रोड्यूस एट हंड्रेड थाउजेंड ग्रेजुएट्स सो तो दे इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी आपका यूथ बल्ज किस काम आएगा कब आप उसको रास्ते पर लगाएंगे सो एक वैक्यूम ये इन चीजों का आपसे ताल्लुक नहीं है क्योंकि आप तो इनेबल कर रहे हैं कोशिश करें इसका ताल्लुक एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन के साथ है मुझे मिनतें तरले करते हैं ये हमारा डायस्पोरा जो आईटी का है वो कहता है जी हमें चार साल का ग्रेजुएट नहीं चाहिए हमें दो साल का ग्रेजुएट दे दो बस और हायर एजुकेशन को इतनी मुश्किल से मैंने तैयार किया वरना उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कह रखा था कि जी आप दो साल का एसोसिएट डिग्री नहीं देंगे आपके एफिलिएट कॉलेजेस दे सकते हैं आप नहीं दे सकते मैंने कहा जिस चीज़ की मार्केट में ज़रूरत है वो यूनिवर्सिटी नहीं देगी दूसरे लोग देंगे तो इसी दैट द फैक्ट मैं इसी वजह से आपको सजेस्ट करूं मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं आपको तो पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं है अजीम अजहर साहब ने एक्सपोनेंशियल के नाम से एक किताब लिखी अजीम अजहर इज़ यू के बेस्ड बॉर्न टू पाकिस्तानी फैमिली यू के बॉर्ड पर्सन है उसने एक्सपोनेंशियल किताब लिखी जो मैं चाहता हूँ कि अपने डेसीजन मेकर्स तक पहुंचाऊं कि 20-25 स्टेप्स लीनियर विल टेक मी टू दिस डोर 20-25 स्टेप्स एक्सपोनेंशियल विल टेक मी टू और थ्री टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड तो द एक्सपोनेंशियल चेंज है आपके यहाँ और आप अगर अवेयर हो गए आज की चेंज से तो प्लीज कीप इन माइंड के छः महीने बाद थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग फार बियॉन्ड वॉट यू ऑर टॉकिंग अबाउट तो मैं समझता हूँ पंजाब आई टी बोर्ड के लोग अफराज यहाँ पर हैं मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि यू हैव लुकड एट फॉर एग्ज़ाम्पल वेब थ्री को आपने देखा ए आई को देखा और ए आई ए आई की एप्लीकेशन तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैंशन करूँ जो मेरे जहन में आती है ए आई की एप्लीकेशन इज जस्ट पैटर्न रिकगनीशन फेसिज फेसिज रिकगनीशन फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद डैट और सिर्फ दो हजार सत्रह के अंदर इट वॉज एबल टू गो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू रिकग्नाइज फेसिस यही पैटर्न एक्स एक्सरेज के अंदर यही पैटर्न रिकग्निशन लॉजिक सर्किट्स के अंदर यही पैटर्न रिकग्निशन डेटा सेट्स के अंदर और आप तस्वर करें कि ह्यूमन जीनोम आइडेंटिफाई हो गया मगर मेरा और आपका जीनोम आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी इमेजिन करें इतने बिलियंस ऑफ पीपल का डेटा अगर जीनोम के एतबार से इज जस्ट अ मैटर ऑफ टेन ईयर्स अगर ये मिल जाए तो वॉट वेरिएबल्स के एतबार से असेसमेंट करके द वॉट ए आई विल बी एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट ईच वन ऑफ अस रिगार्डिंग आर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस टू समिंग तो बहुत बड़ा डेटा सेट्स के का, का काम कर रहा है थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट लोगों की समझ में नहीं आता कि वॉट इज साइबर करेंसी लोगों की समझ में नहीं आता वॉट आर वाट इज एन एफ टी है नॉन फंजेबल टोकन्स के अतबार से वॉट इज द मेटावर्स और मैं लेट मी एडमिट द फैक्ट कि मैंने आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ आई टी टेक्नोलॉजी बट एट द सेम टाइम मैं वीडियो गेमिंग मैंने नहीं की कभी भी तो आई थाट आई एम बी लेफ्ट बिहाइड इन वर्चुअल रियालिटी एंड ऑगमेंटेड रियालिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर गूगल को कई बिलियन डॉलर्स का डारपा ने टारगेट uh, दिया है फॉर लेंजेज फॉर फॉर अमेरिकन सोल्जर्स uh, uh, जिसके अंदर वर्चुअल और ऑगमेंटेड सेटेलाइट फेड इंफॉर्मेशन फेड टेक्नोलॉजी के इधर देखे उधर देखे तो सब कुछ उसको समझ में आ जाए ज़्यादा दूर नहीं है मगर आई वेंचर्ड आई वॉट क्वेस्ट टू प्लेटफॉर्म ऑफ मेटा जस्ट टू बी एबल टू डू सम ऑफिस वर्क अंडरस्टैंड वॉट इज द मेटावर्स ये बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया है और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी तो पाकिस्तान के अंदर अगर सही लीडरशिप के एतबार से इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी भी बताते ख़ुद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं नहीं समझता हूँ कि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी आप जो बात यहाँ पर कर रहे हैं आप तो सरकार से पैसा तो नहीं मांग रहे हर फील्ड के अंदर पैसा मांगा जाता है कि भाई हमें टैक्स फ्री कर दो तो आप टैक्स फ्री हो गए आप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो सड़कें आपको ऐसी दे जिसमें आपकी रुकावटें ना हों इमेजिन करें यार इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ वुमेन घरों में है है ना मेटा ने पिछले साल मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर पंजाब के टेफ्टा के साथ मिलकर पाँच हज़ार खातान को दो दो साल हुए तीन साल हुए पाँच हज़ार खातन को एबिलिटी टू एडवर्टाइज वॉट दे आर मेकिंग ऑन टू डिजिटल नेटवर्कस वो ट्रेन किया और उन्हें वादा किया था कि एक लाख और को ट्रेन करेंगे एनेबलर्स अंडरस्टैंड दैट कि आपने सिर्फ दरवाजे खोलने हैं आपने मिनिमल स्किल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका स्किल सेट के अतबार से जहाँ मिसाल के तौर पर एक आदमी को गाड़ी चलाना या प्लम्बिंग सिखाना ये 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 फिक्स्ड स्किल सेट्स हैं आप जब स्किल सेट देते हैं तो आपका एक डायनेमिक स्किल सेट है यानी ये तो किसी को सिखाया गाड़ी चलाना ये लिमिट हो गया उसने चार साल पाँच साल दस साल यही काम करना है आप जो स्किल सेट देते हैं तो उसके अंदर और दरवाजे खुल रहे होते हैं एंड इट मल्टीप्लाइज एवरी पर्सन विच इज एम्प्लॉयड इन योर एरिया इट बिकम्स अ लीडर इन हिज ओन राइट एंड ही स्टार्ट लुकिंग एट अदर थिंग्स तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तो एजुकेशन के अंदर आपने कहा कि मार्केट के साथ रिलेट करें वी हैव बीन वी हैव बीन ट्राइंग टू लिंक विद द मार्केट इन डिफरेंट वेज़ मिसाल के तौर पर लोग यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करें और इनक्रेज तो मैं कर ही रहा हूँ कि आई बी एस सखर ने ब्लॉक चेन के अतबार से कोलाब्रेशन किया एक आई टी कंपनी के साथ कि जितने लोग उनकी ब्लॉक चेन के अंदर चालीस पचास महीने में ग्रुप होगा तो उनको वो आख, कोर्स उनका 100% परसेंट एम्प्लॉयमेंट देंगे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए इसके लिए आई एम सो इम्प्रेस आप जैसे आइलैंड्स हैं यू आर आइलैंड्स फॉर पाकिस्तान यू आर पिलग्रम्स मैं गया जनाब बाग में यूनोज you बाघ know बाग? इज इन आज़ाद कश्मीर बाग जैसी जगह पर आई व शॉकड एंड सरप्राइज पहले तो एक मैंने स्कूल देखा जैसा स्कूल पाकिस्तान में नहीं सात मंजिला एवरी Uh, uh, यानी बच्चे कंप्यूटर्स पर सब कुछ बैठे हुए वहाँ काम कर रहे हैं मगर जो जो एंटरप्राइजिंग कैफियत है वो मैं आपको ये बताऊँ कि एक कंपनी जो वहाँ टूरिज़म वग़ैरह सब कुछ करना चाहती है उसने एक सात मंजिला इमारत बनाई बाग़ आज़ाद कश्मीर में और उस बाग़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस फ्लोर पर मैं गया तो देवर फाइव हंड्रेड वुमेन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स और दे वॉट वे वर्डिंग दे डूइंग मेडिकल बिलिंग इन द यूएस एस रिमार्केबल सात मंजिला बिल्डिंग ढाई हजार लोग एम्प्लॉय किए हैं अब वहाँ पर उनको ख़वान नहीं मिल रही बाग़ में तो व्हाट दे आर डूइंग इसके नेबरिंग एरिया से ले रहे हैं मगर मॉर्निंग सेशन वो खुवान के साथ चलाते हैं आफ्टरनून में मिक्स चलाते हैं रात को वो इज़ ट्वेंटी फोर आर थिंग इन बाग आज़ाद कश्मीर सो वट डू नीड यू नीड द एबिलिटी कि आप तक डेटा ऑप्टिक केबल के जरिए आए या किसी वाई वाईफाई के जरिए आए आपके पास डेटा आ सके आप एक्सेस कर सकें दैट्स ऑल यू नीड नथिंग कैन स्टॉप यू देर इज़ नो रीजन इन पाकिस्तान जो डिप्राइव्ड रहेगा ये जो प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम था जस्ट इमेजिन कितनी भूख है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि दुकानें दु, दुकानें प्रोडक्ट तैयार है बस आपको दुकानें खोलनी है उसके अंदर लोग आकर खरीदने को भी तैयार है प्राइम मिनिस्टर्स डिजीट स्किल्स प्रोग्राम जैसे पंजाब आईटी बोर्ड के हवाले से आपने बताया कि आप ट्रेन कर रहे हैं तो उसके अंदर 24 से 25 लाख पीपल हैव ट्रेंड दमसेल्व इन दी ए चौबीस से पच्चीस लाख दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर नेबलर्स एंड अदर कंपनीज लुकिंग एट दैट क्या हुआ उसमें एंट्री लेवल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यह है ही नहीं कि भाई मेट्रिक होगा पी होगा बी बैचलर्स होगा उसमें मिडिल क्लास के बच्चे भी गए एच भी गए 24 लाख लोग यानी इसका मतलब भूख है सीखने की ये तो हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए में ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो तो बड़ा प्राउड है कि जी हमारे यहाँ जितने सारे एप्लीकेंट्स आते हैं हम रिफ्यूज़ कर देते हैं मार्केट बेस्ड टेक्नोलॉजी में कोई किसी को रिफ्यूज़ ही नहीं करता वो कहता है आओ आओ वो बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाता है कि आओ आओ वह वो एम्प्लॉय करता है लोगों को कि आप हमारे कब हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाइए आप जहाँ जाते हैं तो मार्केट बेस जो सेलर्स होते हैं वहाँ पर यह कैफियत नहीं होती तो जनाब उन्होंने चौबीस लाख लोगों ने किया जिसमें पी एच डीज ने किया और आ, उन यानी मिडिल पास लोगों ने भी किया तो देर फॉर वट आई एम सेग इज़ कि हुकूमत फैसिलिटेट करे सिर्फ आपकी एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करें हुकूमत के बावजूद आप एक्सपेंड कर रहे हैं मगर आई बिलीव कि इस इस मामले में जितना हम इम्प्रूव करते जाएंगे एट रिक्वायर्स अ रिमार्केबल लीडरशिप एट द पोलिटिकल लेवल ऑल्सो ये कंटेनराइज पोलिटिकल थिंक्स निकलना चाहिए हमको जिसमें कंटेनर का एक नया इस्तेमाल हमने प्रचार किया दुनिया को बताया कि तुम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो यहाँ हम लोगों को भी इससे हैंडल करना सिखा रहे हैं दुनिया को विद दिस इज दिस इज़ अ थिंकिंग इन विच आउट ऑफ विच द पाकिस्तान पॉलिटिशियन शुड कम आउट ऑफ इट इतना नुकसान है आपको बता मैंने आपको क्वान्टम कम्प्यूटिंग और एडवाइजरी बोर्ड के हवाले से जिक्र किया कि ये डिसीशन मेकिंग तेज़ होती तो ये कैफियत नहीं होती सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट वी हैव टू एजुकेट आर चिल्ड्रेन वी हैव टू एजुकेट आर डेवलप आर रिसोर्स ये नंबर्स और क्वालिटी दोनों का गेम है आई एम स्टिल शॉकड बाय दायर के वी प्रोड्यूस थर्टी 30,000 पीपल इन दिस सेक्टर मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर डिग्रीज विगरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं नतीजा क्या है ये जो वाइस चांसलर साहब आपने ये बात रखी कि जनाब जो हमारा कोर्सेज़ हैं और जो हमारी मार्केट है इसमें मैच नहीं है तो लिहाजा क्या कैफियत अख्तियार की आईटी वालों ने तीन से छः महीने की आप लोग ट्रेनिंग करते हैं फिर उनकी मजीद टू ब्रिंग दैम टू इन लाइन विद वाट यू नीड तो मैं ये समझता हूँ कि हर कंपनी के अंदर ये कैफियत तो ज़रूर होती है कि नया आदमी आए तो उसको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए मगर तीन से छः महीने इज़ नॉट दैट तो रिविजन ऑफ करिकुलाय द फैक्ट के ऑनलाइन एजुकेशन इतनी मुश्किल से समझ में आई है यानी आई टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन शेंजन चाइना इन 2007 अबाउट ऑनलाइन नॉट दैट वे क्योंकि वाईफाई तो अब बहुत आम हो गया मैं तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डेड ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करता था इन 2007 इतना लोगों को कहता रहा ये तो कोविड ने आपको सिखा दिया और जो सारे वाइस चांसलर्स हैं और एच है तो वो कहते हैं कि जी ये तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो जो डायनेमिक लोग होते हैं ना उनको कोविड से पहले समझ आना चाहिए था कि ये टूल है जो पाकिस्तान में हम यूज़ कर सकते हैं हैं कोविड ने ज़बरदस्ती उंडेल दिया मैं जितना शोर मचाता रहता नहीं समझ में आता कोविड ने कम से कम ये समझा दिया कि हाइब्रिड एजुकेशन से नंबर्स बढ़ा सकते हो तो लिहाजा आई बिलीव कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स एंड क्वालिटी एंड बेटर एजुकेशन टू क्रिएट पीपल जिनको आप लेकर और गाइड कर कर आप दूसरी तरफ भेज दें इट इज इट इज़ अ रिमार्केबल इंडस्ट्री आपकी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन दिस एक्सपोनेंशियल चेंज आ सकता है पाकिस्तान की तकदीर के अंदर आपने ख़ुद ही मिसाल दी कि बांग्लादेश जिन्हें आप फोटी फोर बिलियन की एक्सपोर्ट करता है विद इन अ फ्यू ईयर्स आई यूज टू गिव दैट फिगर इन स्पीक इन नेशनल असेंबली कि इंडोनेशिया फ्राम थ्री बिलियन वन टू एटीन बिलियन फ्राम बिटवीन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड टू थाउजेंड एटीन इट मल्टीप्लाइज लाइक दिस है ना आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थ्री बिलियन से आप एटीन बिलियन करें आपको छः सात साल चाहिए आ, स्पिंडल लगाने में और फैक्ट्री सेटअप करने में दिस इज़ द एरिया थ मिनिमम डायरेक्शनल इंटरफेरेंसो हेल्प फ्रॉम द गवर्मेंट पॉलिसीज़ आप लोग आज़ाद होकर दुनिया को पाकिस्तान की दुनिया को चेंज कर सकते हैं सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप इन यू आई वॉन्ट यू टू पुट योर फुट ऑन द एक्सेलरेटर वॉट एवर यू आर डूइंग और जितना लोगों को इन्वाल्व करके खासतौर पर खातन इतना बड़ा सेक्टर है जो घर में है जिसको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स वैल्यू एडिशन के जरिए नॉट ओनली दैट टू बी खुवा क्या कर रही हैं पढ़ा भी रही हैं घर बैठ कर अमरीका में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं कुरान की तालीम दे रही हैं द simplest ऑफ थिंग्स उर्दू की तालीम दे रही हैं बहुत कुछ कर रही हैं ये तो सिर्फ कनेक्टिविटी की दुनिया है और कनेक्टिविटी की बाहार है कि जिस तरह से आप कर सकते हैं एंड आई थिंक यू कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग दैट कनेक्टिविटी यू नो हाउ मैनी न्यूरो आर देर इन योर ब्रेन एनी आइडिया

पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए और यही रास्ता है थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन